वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरी वन, वेलकम बैक एट बीबीवीएन ऑनलाइन क्लास। बात करते हैं अकाउंटेंसी 11th क्लास की। इन आवर प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस्ड द जर्नल प्रॉपर बुक, और जर्नल प्रॉपर बुक का अपन एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। आज की इस क्लास में अपन फिर से जर्नल प्रॉपर का ही एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं और उसकी प्रैक्टिस करते हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, पहले मैं ड्राफ्ट फॉर्मेट बना लेते हैं जर्नल प्रॉपर का। ऊपर हेडिंग डाल देते हैं जर्नल प्रॉपर। डेट पर्टिकुलर LF, डेबिट साइड अमाउंट, क्रेडिट साइड अमाउंट। क्वेश्चन बुक में दिया हुआ है, पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग इन द बुक्स ऑफ श्री आर बैनर्जी एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर ऑन 31st March 2019। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है, डेट है नहीं गिवन, यानी कि ट्रांजेक्शन नंबर फर्स्ट। सैलरी ऑफ 1000 फॉर March 29 इज आउटस्टैंडिंग। अब आउटस्टैंडिंग सैलरी की एंट्री क्या करते हैं अपन, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, नरेशन लिख देंगे बीइंग सैलरी ड्यू फॉर March 2019, और इसकी अमाउंट है 1000 रुपीज की, अमाउंट लिख दी 1000 रुपीज की। फिर सेकेंड ट्रांजेक्शन है, इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹200, यानी कि सेकेंड ट्रांजेक्शन अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, नरेशन अपन लिख देंगे बीइंग इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। अमाउंट है 200 रुपीज की, 200 रुपीज की। थर्ड ट्रांजेक्शन है, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, यानी कि रेंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, रेंट received account debit to rent received in advance account, amount आ जाती है 400 रुपीज की। narration अपन लिख देंगे being advance रेंट रिसीव्ड। फिर अगली एंट्री फोर्थ, इंश्योरेंस प्रीपेड, प्रीपेड इंश्योरेंस है तो अपन एंट्री कर देंगे प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट, अमाउंट है इसकी 300 रुपीज की, 300 की। नरेशन अपन लिख देंगे बीइंग इंश्योरेंस पेड इन एडवांस। अब अगला ट्रांजेक्शन, अगले ट्रांजेक्शन की एंट्री फिर यहीं कर लेंगे अपन आगे। ट्रांजेक्शन नंबर फिफ्थ,
ट्रांजेक्शन है क्लोजिंग स्टॉक 10,000 का। अब क्लोजिंग स्टॉक को ट्रांसफर करने की एंट्री हो जाती है अपनी क्लोजिंग एंट्रीज जो आपको बताई थी कि क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट अमाउंट है 10,000 रुपीज से, हम 10,000 रुपीज से एंट्री कर देंगे। नरेशन लिख देंगे बीइंग क्लोजिंग स्टॉक ट्रांसफर्ड। सिक्स्थ एंट्री, सिक्स ट्रांजेक्शन की डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय रुपीज 800 एंट्री कर देंगे डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट 800 रुपीज से। नरेशन बिंग डेप्रिशिएशन चार्ज्ड। क्लियर है? यानी कि जर्नल प्रॉपर में आपको यह बताया गया था कि जर्नल प्रॉपर में सिर्फ वो ट्रांजेक्शन नोट करने हैं जो कि कैश से बिलोंगिंग नहीं है, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स से बिलोंगिंग नहीं है, क्रेडिट पर सेल ऑफ गुड्स से बिलोंगिंग नहीं है, सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न से बिलोंगिंग नहीं है। यानी कि इन सारी चीज़ों को इग्नोर करने के बाद में जो रिमेनिंग ट्रांजेक्शन होते हैं वो हम जर्नल प्रॉपर में करते हैं। ऐसे सारे ट्रांजेक्शन्स जिस जर्नल एंट्री में जहाँ पर भी कैश का नाम नहीं आता हो, परचेज डेबिट साइड में नहीं आता हो, सेल्स क्रेडिट साइड में नहीं आता हो, परचेज रिटर्न क्रेडिट साइड में नहीं आती हो और सेल्स रिटर्न डेबिट साइड में नहीं आता हो, ऐसे ट्रांजेक्शन्स को छोड़कर, ऐसी जर्नल एंट्रीज को छोड़कर बाकी सारे ट्रांजेक्शन्स की एंट्रीज हम जर्नल प्रॉपर में कर लेते हैं। अब आपने इस क्लास के अकॉर्डिंग अपना ये जो चैप्टर था स्पेशल पर्पस बुक सेकेंड, जिसके अंदर कि अपन ने परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न और जर्नल प्रॉपर के क्वेश्चंस को सोल्व किया है, अब आपको करना क्या है, इन सारे चैप्टर्स के, इस चैप्टर्स के सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, अनसोल्व क्वेश्चंस अपनी फेयर नोटबुक में सोल्व करने हैं और अपने अगली ऑनलाइन क्लास में अपन मिलेंगे अगले नए चैप्टर और नए टॉपिक के साथ में। तब तक आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर कोई क्वेरी है तो आप मेरे को व्हाट्सएप से क्वेरी सोल्व कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू।